संतान नहीं होने पर परेशान कर रहे हैं ससुराल वाले। महिला ने की थी लव मैरिज। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घोसीपुरा की निवासी एक महिला ने आज एसपी ऑफिस में आवेदन देकर ससुरालियों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस से ससुरालियों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अनामिका कुशवाहा ने बताया कि उसने संजय बाथम से लव मैरिज की थी। संतान न होने से ससुरालीजन बांझ कहकर अपमानित करते हैं, जिससे उसे मानसिक पीड़ा होती है। इसके साथ ही ससुर भगवान लाल बाथम, सास पार्वती देवी, देवर राहुल बाथम, देवरानी कृष्णा बाथम दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर मारपीट करते हैं। कहते हैं कि 5 लाख रुपए लाओ तभी तुम्हें घर में सुख शांति से रहने देंगे। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज एक्ट व मानसिक प्रताड़ित करने हेतु मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। अनामिका कुशवाहा कहाँ से आई हैं? जो ये बात हम हो गया है समाज। कहाँ से आई हैं? फिजिकल लालकोटी के पीछे फिजिकल। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या हुआ आपके साथ? ससुराल वाले परेशान करते हैं और ऊपर से मेरे ऊपर ही केस कर रहे हैं, मैं कहाँ से दूंगी उन्हें भरण पोषण। परेशान क्यों कर रहे हैं ससुराल वाले? नहीं है और कोई भी बात पे, वो तो घर में भी परेशान करते हैं, पानी वगैरह नहीं भरने देते, आना जाना कहीं पे कुछ नहीं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2018 में। तो क्या आपने लव मैरिज की है? लव मैरिज हुई है दूसरी समाज में, मैं कुशवाहा हूँ, हस्बैंड बाथम है। कहाँ मिले थे आपके हस्बैंड आपको? हस्बैंड पास में ही रहते हैं, बिल्कुल जस्ट पास में ही रहते हैं, पास में। उन लोगों को सबको बताता ससुराल वालों को। अफेयर कितना पुराना था शादी से पहले आपका? 2 साल पहले से। 2 साल पहले से, तो फिर आपने शादी कर ली? इसके घर वालों को भी मंजूर था, उन लोगों ने ही करवाई थी। अच्छा, ससुराल वालों ने ही करवाई। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? तो वो लोग ही परेशान कर रहे हैं मुझे। नहीं कोई कारण तो होगा ना परेशानी? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, घर से निकल जा, हम दूसरी शादी करवा देंगे उसकी। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2018 में। तो अब आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं अगर घर से निकल जाऊंगी, पहले तो इसने मुझे घर से बुलवा लिया, वहाँ से वो लोग तो बुलाते करते हैं नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी रहने के लिए? अच्छा, हस्बैंड नहीं, उसके घर वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या करता है हस्बैंड? हस्बैंड साड़ी की दुकान पे काम करता है। आप क्या करती हैं? मैं अभी कुछ नहीं करती, एक दुकान पे काम कर रही थी अभी वहाँ पे। एसपी सर ने क्या कहा आपसे? लोगों ने कुछ नहीं कहा, नोटिस ले लिया है, वो बोल रहे हैं देखते हैं जल्दी कार्रवाई करेंगे। थाने पर गई होंगी? फिजिकल थाने पर? फिजिकल थाना 2 महीने पहले ही उन लोगों ने हाथ उठाया था मेरे ऊपर दूसरी बार, उसकी मम्मी ने, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड के ही साइन करा लिए थे उनने। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।